नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन चौहान है। आई होप यू आर वेल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गिरते मार्केट में कौन कौन से स्टॉक हैं जो भागने की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको रिसर्च करके बताने वाला हूँ। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो आप अपने रिस्क पे कीजिएगा, मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो फंडबीज के साथ जुड़ सकते हैं। फंडबीज में आपको मिल सकता है 3% का मंथली आरओआई अपने इन्वेस्टमेंट पे। आप अगले दिन से आरओआई जो है अपने अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपडेट कर दिया, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको जो टीम का नंबर मिलेगा उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट करने में मदद जरूर करेंगे। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी होती है सीधी बात, नो बकवास। तो मैं आपको सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूं और सारी डिटेल बताता हूं, क्योंकि हमारा काम है आपको बताना कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक से रिलेटेड कौन सी ऐसी न्यूज है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको मोबाइल की स्क्रीन साइड में शो हो रही है। हम सबसे पहले आ चुके हैं एप्लीकेशन में, यहाँ पे अशोक लेलैंड के बारे में बात करेंगे। अशोक लेलैंड जिसका 173 के आसपास यहाँ पे प्राइस जो स्टॉक का चल रहा है, इसके बारे में हम क्यों बात करें, क्योंकि कर्नाटका स्टेट ने इनको 1225 बसें बनाने का एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो जैसे जैसे इसका रेवेन्यू बढ़ेगा स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है, और ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी जो कि ट्रक और बड़े व्हीकल बनाती है, तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बहुत अच्छी, इससे पहले भी मैं इसको रिकमेंड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, आगे चलते हैं। अगली कंपनी हमारी प्रताप स्नैक्स लिमिटेड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि इस कंपनी को हल्दीराम जो कंपनी है वो एक्वायर करने वाली, इसका मतलब अपना जो स्टेक है इसमें बढ़ाने वाली, यानी कि 50% से ज्यादा जिस कंपनी का स्टेक बढ़ जाता है वो कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है, वो कंपनी खरीदी जा चुकी है, इस तरह का हम मान सकते हैं। तो हल्दीराम जो है इसमें 40% से ज्यादा का स्टेक अभी खरीदने के बारे में सोच रहा है, या तो फिर ये डील कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। और स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है, 1278 रुपीज के आसपास इसका स्टॉक का प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर इसके मार्केट के पी हम यहाँ पे अगर बात करें, सारी डिटेल यहाँ पे देखे तो 3272 रुपीज का इसका मार्केट कैप है। आरओ इसका 3% का है, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रॉफिट नेटवर्क जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो 2019 में जो है ये 1182 रुपीस के आसपास था, जो कि अभी 2023 में बढ़ करके 1661 पे आ चुका है। इसका मतलब काफी अच्छी ग्रो इन्होंने करी है रेवेन्यू में। प्रॉफिट भी आप देखो तो ये भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेटवर्क अगर आप देखो तो ये भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे फिलहाल ये कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है, आप इस पर नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी कंपनी की। अगली ये कंपनी हमारी अजमेरा रियलिटी इंफ्रा लिमिटेड, बहुत ही बढ़िया कंपनी। 566 इसके स्टॉक की प्राइस अभी यहाँ पे देख रहे हैं हमें। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 2000 करोड़ का इनका मार्केट है। आरओ इसका 8.9 का इसका आरओ है। हम इसे ईयरली देख लेते हैं, इसका रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर इसका नेटवर्क देखोगे तो उस पर बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में डिटेल में आपको देखना है तो 15% की तेजी ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है। इन्होंने जो है ज्वाइंट इन्वेंचर करा है क्रिस्टोन कंपनी के साथ, तो इसका स्टॉक का प्राइस जो है तेजी से बढ़ने के चांसेस है। 15% से ऑलरेडी ये उछाल जो है दिखा चुका है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। अगला स्टॉक है हमारा सुराना सोलर लिमिटेड। आप स्टॉक की प्राइस हम देखें तो 38 रुपीस के आसपास है। बहुत ही अच्छी बात है कि रिटेलर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इसका मार्केट कैप हम अगर देखें तो 178 करोड़ का है, इसका मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। इसका आरओआई -1.66 का है। अगर इसका ईयरली प्रॉफिट हम रेवेन्यू नेटवर्क देख लेते हैं तो इसका जो है, क्योंकि सोलर ईवी एआई सारे स्टॉक सारे पूरा सेक्टर ही ग्रो करा है, तो इसके साथ साथ स्टॉक भी हमारा ग्रो कर चुका है। इसमें 5% की तेजी कल ही दिखाई थी। तो इसका फाइनेंशियल अगर हम देख करें तो रेवेन्यू इसका 47 का है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर इसका नेटवर्क देखें तो ये लगातार बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ग्रोइंग सेक्टर है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक थोड़ा भी चलता है तो आपका पैसे को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। अगला स्टॉक है हमारा नेटको फार्मा, जो कि 34 रुपीज के आसपास के स्टॉक की प्राइस यहाँ पे चल रही है। अगर इसके मार्केट कैप की हम बात करें तो 14,800 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप है। आरओ इसका देखें 21% के आसपास का आरओ है। नेटवर्क फाइनेंशियल पे थोड़ा नजर डाल देते हैं तो ये जो है 2019 की अगर हम बात करें तो 2225 रुपए पे था, आज बढ़ करके 2812 रुपए हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेटवर्क की बात करें तो वो भी हमें लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे कि हाल ही में इसको $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है, तो कंपनी जो है तेजी से ग्रो करने वाली है। तो आज अगर इसमें आप पैसे लगाते हो तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में, यानी कि 2024 खत्म होते होते, आपके पैसे को स्टॉक कई गुना तक बढ़ा सकते हैं।
अगला शेयर हमारा डीवी रियलिटी, 240 रुपए स्टॉक की प्राइस यहाँ पे चल रही है। नीचे चलते हैं सीधे, इसका मार्केट कैप 11,935 करोड़ और इसका आरओई जो है 2.73% का है। अगर फाइनेंशियल पर हम नजर डालें, ईयरली देखें, तो इसका रेवेन्यू जो है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट जो है वो भी काफी अच्छा बढ़ा है, नेटवर्क देखे तो वो भी ग्रोइंग में है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी, क्योंकि 2000 करोड़ का फंड रेज ये लोग करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये कंपनी तेजी से ग्रो करेगी। 5% से इसका स्टॉक जो है कल ही भागा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये स्टॉक मुझे अभी फिलहाल बेस्ट दिखाई दे रहा है। ये होने वाला इस वीडियो का हमारा आखिरी स्टॉक कृतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक की प्राइस जो 37 रुपीज का मतलब कह सकते हैं पेनी स्टॉक है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिली, 7% से स्टॉक जो है भागा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो इसमें जो है प्रमोटर ने 20% की होल्डिंग जो खुद ही खरीद ली है और एफआईआई ने भी इसमें अपनी होल्डिंग बनाई है। इसका मतलब ये कंपनी जो है कुछ बड़ा प्लान कर रही है, बड़ा सोच रही है, इसीलिए इसमें जो है खरीदारी बढ़ती चली जा रही है। रिटेलर्स इन लोगों ने 20% का हिस्सा खुद ही प्रमोटर ने खरीद लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ अंदर उधर चल रहा है। मुझे लगता है तेजी से भाग सकती है कंपनी, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये पेनी स्टॉक है, अगर अच्छा चल गया तो आपका पैसा बहुत ज्यादा इसमें बन सकता है। इसके मार्केट कैप को अगर हम थोड़ा सा देख लें, फाइनेंशियल इसका चेक करें तो आप देख सकते हो वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकता है, करना पड़ सकता है, और अगर नेटवर्क देखे तो उस पर भी काम कर रहे हैं और उसको भी आप बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक जो मैंने आपको बताए हैं, चलिए इस सारे के सारे स्टॉक जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही नॉर्मल वीडियो आगे भी आप देखना चाहते हैं तो आप हम फॉलो कर सकते हैं। मेरा काम है मेहनत करके आपके लिए अच्छे स्टॉक को रिसर्च करके लेके आना। आप अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और भी मेहनत करनी है आप सबके लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, सब लोगों तो शेयर कीजिए जिनके पास ये नॉलेज अब तक नहीं है। गिरते मार्केट का फायदा हम सबको जरूर उठाना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।